हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में घर के मुख्य द्वार पर यानी कि दरवाजे पर अगर इस पोटली में बांध कर आप ये चीज़ें रखते हैं तो आपके घर में जो भी परेशानी है या घर में पैसे नहीं टिकते हैं या फिर कोई नौकरी में बाधाएं आ रही है तो ये सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। हर कोई चाहता है कि जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए लोग मेहनत और प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी कभी इसके बाद भी कुछ न कुछ परेशानी बनी रहती है। आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्याएँ हमारे जीवन में बनी ही रहती है। वास्तु विज्ञान की माने तो इनसे निपटने के लिए वास्तु के कुछ उपाय किए जा सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने घर या ऑफिस के मुख्य द्वार पर कुछ उपाय करने से जीवन की खुशहाली बरकरार की जा सकती है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर पानी से भरा कांच का बर्तन रखना चाहिए। यह पात्र ऐसा होना चाहिए जिसमें खुशबू वाले ताजे फूल रखे जा सके। यह बर्तन घर में साज सज्जा के भी काम आते हैं। इससे घर में सकारात्मकता भी आती है और घर में खुशहाली भी आती है। पीपल या आम या अशोक के पत्तों की एक माला बनाएं, इसे घर या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर बांधें। वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे नकारात्मकता दूर होती है, समृद्धि आती है। जब ये पत्तियाँ सूख जाएं तो माला बदल देनी चाहिए। घर या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी के पैर बनाएं या बने बनाए पैर भी ला सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी माँ के ऐसे पैर लगाने चाहिए जो अंदर की तरफ जा रहे हों। वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे घर में समृद्धि आती है। मुख्य द्वार के नीचे बाहर की ओर देवी लक्ष्मी के लाल या पीले रंग के पैरों की चिन्ह बनाने से सभी देवी देवताओं की शुभ दृष्टि हमारे घर पर सदैव बनी रहेगी। ज्योतिष के अनुसार अशुभ ग्रहों का बुरा प्रभाव भी कम होता है। इसके अलावा हमारे घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है। दोस्तों, घर के मुख्य और प्रवेश द्वार पर सात्विक बनाना भी शुभ फलदायी माना गया है। वास्तु के अनुसार स्वातिक लगाने से सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। घर या दुकान या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ का निशान बनाएं, इससे रोग शोक में कमी आती है और सुख और समृद्धि में इजाफा हो। घर के अन्य दरवाजे बड़ा रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर का दरवाज़ा बड़ा रखना लाभकारी होता है। यह नकारात्मकता ऊर्जा को कम करता है। साथ ही दरवाज़ा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में खुलता हो यह घर की समृद्धि में शुभ होता है। साथ ही मुख्य द्वार को जमीन से ऊंचाई पर रखने से घर में अधिक से अधिक रोशनी का प्रवेश होता है, जिसे घर में अंधेरेपन को दूर करने और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर माना जाता है। यह भी ध्यान रखें कि सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पैसे की कमी कभी ना हो तो अपने यहाँ मुख्य द्वार पर दहलीज जरूर बनवाएं और हर सुबह इसे जल से धोएं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट पर दहलीज बनाना शुभ फलदायी होता है। इसे जल में हल्दी मिलाकर धोने से घर में उन्नति आती है। दोस्तों, घर की सुख समृद्धि में मुख्य द्वार काफ़ी अहम भूमिका अदा करती है। यहीं से समृद्धि, सुख, दुख, कलेश घर के अंदर प्रवेश करते हैं। घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। इन उपायों को आजमाने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन भी होगा। दोस्तों, अगर ये आजमाइश नवरात्रि में करेंगे तो बहुत ही लाभकारी होगा। आपके घर का मेन गेट घर की खुशहाली में बहुत अहम भूमिका निभाता है। द्वार अगर शुभ लक्षणों वाला होगा तो घर में दरिद्रता का आगमन नहीं होता है, सफलता मिलती है, सकारात्मकता रहती है और वातावरण भी पवित्र बना रहता है। शुभ दरवाज़ा देवी देवताओं को भी आकर्षित करता है। कुछ उपाय कर इसे घर के लिए शुभ बनाया जा सकता है। की पवित्रता बढ़ाने के लिए सूर्योदय से पहले लाल कपड़े में एक नारियल और कुछ सिक्के बांधकर पोटली बना लें। ये पोटली दरवाजे पर सूर्य मंत्र ओम सूर्य नमः का जाप करते हुए बांध दें। इस उपाय से घर में गरीबी नहीं आती है। अगर लगातार असफलता मिल रही है तो मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर रुद्राक्ष की एक माला लटका दें। इस उपाय से सफलता मिलने की संभावनाएँ बढ़ सकती है।
महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो समय समय पर घर में भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की पूजा करें, पीले फूल चढ़ाएं, साथ ही पीले फूलों की बंधन बार बनाकर दरवाजे पर लगाएं। यदि घर के सदस्यों को बार बार नज़र लगती है तो बुधवार या गुरुवार को एक नींबू और 7 मिर्च दरवाजे पर टांग दें, इससे बुरी नज़र से रक्षा होती है। दुर्गा की पूजा में लाल रंग के पुष्प का उपयोग किया जाता है। दुर्गा पूजा में कमल, गुड़हल, गुलाब, गेंदा के फूल चढ़ाए जाते हैं। इस दौरान ध्यान रखें कि कनेर, धतूरा और मदार के पुष्प भूल से भी ना चढ़ाएं। अक्षत, दोस्तों नवरात्रि के दौरान पूजन सामग्री में अक्षत यानी चावल का स्थान प्रमुख होता है, लेकिन नवरात्र पूजा में अक्षत के प्रयोग में ये सावधानी बरतनी चाहिए कि चावल के दाने टूटे ना हो। नवरात्रि के दौरान के आप जिस भोजन में देवी दुर्गा को भोग लगा रहे हैं उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है क्योंकि लहसुन प्याज को तामसिक प्रवृत्ति का भोजन पदार्थ माना जाता है। नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि कलश स्थापना के लिए टूटा हुआ नारियल इस्तेमाल ना करें, पूजा के लिए जटा वाले नारियल ही इस्तेमाल करें। दोस्तों देवी दुर्गा की पूजा में कुछ फूल जैसे कनेर, धतूरा, हरसिंगार और मदार का इस्तेमाल वर्जित है। इसके अलावा चंपा और कमल के अलावा किसी अन्य फूल की कली नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। माँ दुर्गा को हमेशा ताजे, खुशबूदार और लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। माँ दुर्गा को बासी फूल अर्पित करने से बचना चाहिए। ऐसा करने की स्थिति में माँ नाराज हो जाती है, उनके क्रोध से घर की सुख शांति भी भंग हो जाती है। दोस्तों नवरात्रि या अन्य दिनों में भी पूजा के दौरान माता रानी को धूप, बेल और तगर नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों कलश स्थापना के दौरान कभी भी चटके या टूटे हुए नारियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह टूटी हुई लौंग भी अशुभ मानी जाती है, इससे पूजा का फल नहीं मिलता है। ऐसे में ध्यान रखें कि माँ को फूल वाली लौंग ही चढ़ाएँ। पूजा पाठ में देवी देवताओं को अक्षत अर्पित करना शुभ माना जाता है, लेकिन कभी भी माँ दुर्गा को टूटे हुए यानी खंडित चावल अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे देवी माँ नाराज हो जा सकती है। ध्यान रखिए कि अक्षत अर्पित करने से पहले गंगा जल से शुद्ध जरूर करें। नवरात्रि के दौरान माता रानी को केवल सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भोग की वस्तुओं को प्याज और लहसुन के संपर्क में ना आने दें। नवरात्रि में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। कोशिश करें कि माता रानी को घर पर बनी दूध की मिठाइयां भोग लगाएं। दोस्तों आप घर में धन समृद्धि लाने के लिए नवरात्रि के दौरान देवी लक्ष्मी का ऐसा चित्र पट लाएं जिसमें वे कमल पर विराजमान हो, इसके साथ ही उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। कमल देवी लक्ष्मी का प्रिय फूल है। नवरात्रि में कमल का फूल या उससे संबंधित चित्र घर में लेकर आने से देवी लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान महिलाओं को घर में 16 सिंगार का सामान जरूर लाना चाहिए। सिंगार के सामान को घर के मंदिर में स्थापित करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान घर में सोने या चांदी का सिक्का लाना शुभ माना जाता है। सिक्के पर माता लक्ष्मी या भगवान गणेश की चित्र बना हुआ हो तो और भी शुभ होता है। अपने पर्स में सोने या चांदी का सिक्का जरूर रखें, इससे आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों नवरात्रि में अपने घर पुराने और फटे हुए जूते, चप्पल, कपड़े, अन्य पहनने की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ों को किसी को दान कर दें या घर से बाहर कर दें। इन्हें रखने से घर में दरिद्रता आती है, फिर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती है। पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी आती है, खर्च बढ़ जाते हैं, जॉब और बिजनेस में समस्याएं आने लगती हैं। नवरात्रि में तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। हिंदू धर्म में प्याज लहसुन को भी तामसिक भोजन माना जाता है। नवरात्रि में इनका सेवन करने से माता रानी रूठ जाती है, फिर आपको मनचाहा फल नहीं मिलता है। वह आपके घर वास नहीं करती है, इसलिए नवरात्रि में घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना करें। इन्हें घर में भी ना रखें, इनसे 9 दिनों के लिए दूरी बना लें।
दोस्तों नवरात्रि में घर में बंद पड़ी घड़ी, मोबाइल, टीवी, गाड़ी या अन्य चीज़ें रखना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी चीज़ें घर में निगेटिव एनर्जी लाती है। इसके अलावा घर में टूटी फूटी चीज़ें जैसे टूटा फर्नीचर, कांच इत्यादि भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ें घर में बुरी घटनाएँ कराती है। इनसे भाग्य कमजोर होता है, शत्रु आपके ऊपर हावी होता है, वहीं माता रानी भी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों शास्त्रों में मोर पंख को बहुत ही शुभ माना गया है। नवरात्रि में मां सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर मंदिर में रखने से कई फायदे होते हैं। मोर पंख विद्यार्थियों के कमरे में रखने से उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। लॉकर के पास मोर पंख रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगती है। ये नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाती है। दोस्तों नवरात्रि में केले के पौधे घर में लाना चाहिए। इससे घर के आंगन में लगाएं और पूजा करने के बाद इस पर रोजाना जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन इस पर दूध भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से घर में पैसा की दिक्कत नहीं रहती है। दरिद्रता से निजात पाना चाहते हैं, यानी कि गरीबी से निजात पाना चाहते हैं, उन्हें केले का दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों शारदीय नवरात्रि का हिंदुओं में विशेष महत्व बताया गया है। माता दुर्गा के 9 रूपों के पूजन को बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। इस पर्व को दुर्गा पूजा की तरह भी मनाया जाता है। इस दौरान लोग माता का पूजन बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं और घर की सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। इन पवित्र दिनों में माँ दुर्गा की असीम कृपा पाने के लिए कुछ ऐसे उपाय भी किए जाते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों धन लाभ के योग बना सकते हैं। इन विशेष उपायों से घर में धन दान्य बना रह सकता है और खुशहाली आ सकती है। तो चलिए जानते हैं कि वो उपाय है क्या। नवरात्रि के दौरान आप किसी भी एक दिन पानी में दही मिलाकर नहाएं। यदि आपके हाथ में पैसा लंबे समय तक नहीं टिकता है तो इस उपाय से घर में बरकत होगी और धन की वृद्धि होगी। नवरात्रि के दौरान दुर्गा के 9 रूपों का हम स्मरण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो हमारे लिए धन के योग बना सकती हैं। यदि आप नवरात्रि के किसी भी दिन पानी में ही हरी इलायची डालकर स्नान करेंगी तो आपको अपार धन मिलेगा। नवरात्रि के दौरान आप धन लाभ के लिए माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करें। इस दिन आप श्री सुखतम का पाठ करें, इसे आपको लाभ होगा। दुर्गा जी की रोज पूजा अर्चना करें और उन्हें अष्टमी तिथि के दिन श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके लिए धन के योग तो बनेंगी और पति पत्नी के बीच संबंध भी मजबूत होंगे। नवरात्रि के 5वें दिन सफ़ेद कौड़ी, कमलगट्टे, साबुत सुपारी, हरी इलायची, मखाने सभी चीज़ें 5 की संख्या में लें और मुट्ठी भर हवन सामग्री के साथ मिश्रित करके 108 बार माला जाप करते हुए हवन करें। नवरात्रि की पूजा के आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।